स्किन यानी त्वचा से संबंधित समस्याओं में लोशन का उपयोग किया जाता है। बार बार खुजली होना, स्किन पर चकत्थे पड़ना, स्किन पर रेडनेस का प्रॉब्लम आना, त्वचा सूखना, त्वचा में बहुत ज़्यादा एडिटेशन सा महसूस होना, भभकने जैसा स्किन पर महसूस होना, तो इस सारी समस्याओं में इस लोशन का उपयोग किया जाता है। स्किन पर जब किसी प्रकार से एलर्जी की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये लोशन लगाने के लिए दिया जाता है, या फिर ये लोशन आपके शरीर में चकत्थे पड़ जाते हैं तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये लोशन लगाने के लिए दिया जाता है। और इस लोशन का उपयोग स्किन से रिलेटेड किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या रहती है स्किन पर, तब डॉक्टर के द्वारा लगाने के लिए दिया जाता है, या फिर स्किन से रिलेटेड कौन कौन सी दिक्कत, कौन कौन सी बीमारियों में डॉक्टर के द्वारा ये लोशन लगाने के लिए दिया जाता है, ये लोशन लगाना कैसे होता है, ये लोशन एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, इस लोशन का साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। चलिए अब हम आपको सबसे पहले इस लोशन के यूज के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर आपके त्वचा पर, आपके स्किन पर या फिर आपके पूरे शरीर में कहीं पर किसी भी प्रकार से अगर एलर्जी की समस्या रहती है, आपके त्वचा पर खुजली की समस्या लगातार बनी रहती है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये लोशन स्किन पर लगाने के लिए दिया जाता है, यानी त्वचा पर लगाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि इस लोशन का उपयोग आपने देखा होगा कि ठंडियों के समय में जो आपका स्किन है यानी जो आपका त्वचा है उसमें रूखीपना आने लगता है, त्वचा फटने लगती है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये लोशन स्किन पर लगाने के लिए दिया जाता है, जिससे जो ठंडियों में त्वचा फटने लगती हैं, रूखी सी हो जाती हैं स्किन, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है इस लोशन से। और जैसे कि यदि आपके त्वचा पर यानी स्किन पर किसी प्रकार से काला निशान हो गया हो, तब भी डॉक्टर के द्वारा उस काले निशान को ठीक करने के लिए ये लोशन स्किन पर अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। ये लोशन आपके स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देता है यानी उसे एकदम गोरा कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी के स्किन पर किसी प्रकार से एलर्जी रहती है या फिर ठंडियों के टाइम में त्वचा फटने लगती है, रूखी सी हो जाती है, तब उस समय आपको खुजली की समस्या होती होगी, आपने देखा होगा उस त्वचा पर आपने देखा होगा ब्लैक सा होने लगता है खुजली होने के कारण, पपड़ी सा निकलने लगता है त्वचा पर, तो इन सारी प्रॉब्लम को ये ठीक करता है और ये लोशन आपके स्किन को पहले के जैसा एकदम सुंदर बना देता है। जैसे कि जो आपका त्वचा पहले के जैसा था वैसा ये लोशन बना देता है इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करके जो आपके स्किन पर हुआ है। और जैसे कि इस लोशन का उपयोग जब आपके लिप्स यानी जब आपके ओठ फट जाते हैं या फिर जो आपके स्किन है उसमें दरार आने लगती हैं तो या फिर स्किन फट जाता है, तो इन सारी प्रॉब्लम को ये लोशन ठीक कर देता है। जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तब उस समस्या में ड्राई हुई स्किन को सॉफ्ट करने का काम ये लोशन करता है। और जैसे कि इस लोशन का उपयोग जैसे कि अगर आप धूप में निकलते हैं, धूप में निकलने की वजह से आपके स्किन पर आपने देखा होगा रेडनेस सा होने लगता है, जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा स्किन आपकी भभकने लगती है, स्किन पर लगातार खुजली की समस्या बन जाती है, तब उस सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये लोशन लगाने के लिए दिया जाता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, धूप में रहने के कारण जो आपकी त्वचा है यानी जो आपकी स्किन है उसमें देखा होगा आपने रिकारी पड़ने लगता है, पपड़ी के जैसा स्किन पे होने लगता है, एक परत की जैसे पपड़ी उजड़ने लगती है, आपको वहाँ पर रेडनेस के साथ में कभी कभी आपने देखा हो पस भी निकलने के जैसा महसूस होने लगता है, ईचिंग खुजली ये लगातार कंटिन्यू बना रहता है, तो इन सारी प्रॉब्लम को ये लोशन ठीक करता है। और जैसे कि इस लोशन का उपयोग अगर आप धूप में निकलते हैं, धूप में निकलने की वजह से आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा रेडनेस महसूस हो जाता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं चेहरे पर पपड़ी के जैसा निकलने के जैसा महसूस होता है, चेहरा एकदम कड़ा कड़ा सा लगने लगता है, चेहरे पर दरारें पड़ जाती हैं, रिकारी सा महसूस होने लगता है, एडिटेशन सा महसूस होने लगता है, तब उस समस्या में ये लोशन आप अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि इस लोशन में वाइट सॉफ्ट पैराफिन लाइट लिक्विड पैराफिन लोशन होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये लोशन लगाना कैसे होता है। जैसे कि ये लोशन आप अपने स्किन के पर्टिकुलर एरिया पर लगाएं, जहां पर आपके स्किन पर जो समस्या है उस स्किन के पर्टिकुलर एरिया पर ये लोशन डॉक्टर के द्वारा लगाने के लिए बताया जाता है। ये लोशन आपको दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के द्वारा स्किन पर अप्लाई करने के लिए बताया जाता है। ये लोशन लगाने के बाद में इस लोशन को आप कभी भी धूप में ना रखें। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये लोशन लगाने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि ये लोशन लगाने के बाद में अगर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या होने लगे, बहुत ज़्यादा ईचिंग सा महसूस होने लगे, बहुत ज़्यादा रेडनेस सा महसूस होने लगे, काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से हम कह सकते हैं आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लगे, तब ये लोशन तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप संपर्क करें। कभी